हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में बात करेंगे व्हाइल लूप्स के बारे में। कल हमने जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में फॉर लूप्स के बारे में पढ़ा था। बेसिकली पाइथन में हम जानते हैं दो तरीके के प्रिमिटिव लूप्स होते हैं, व्हाइल और फॉर लूप्स। तो फॉर लूप्स हम पढ़ चुके हैं, आज बारी है व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप बेसिकली होता क्या है, एक तरीके से इटरेशन ही परफॉर्म करता है, ये भी रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है सिंगल और मल्टीपल ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है ये ब्रेक कर देता है उस लूप को। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक सिंटैक्स है सिंपल से व्हाइल लूप का, जहाँ पे हम व्हाइल लूप की एक कंडीशन देते हैं और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है इस कोड ऑफ स्टेटमेंट इस एक्शन को परफॉर्म करते रहते हैं। और आप नीचे इसके पार्ट दे सकते हैं, एल्स पार्ट जुड़ा हुआ है इसमें, हम इस एल्स पार्ट को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं और फर्दर इसमें प्रोसेस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू किस तरह से हम व्हाइल लूप में वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक मैं एक नंबर असाइन कर देता हूँ 1, और मैं व्हाइल लूप का यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए इज़ लेस देन 10, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक वो प्रिंट करेगा इस ए की वैल्यू को और साथ में इस ए की वैल्यू को जो इंक्रीमेंट भी करता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, सिंपल से मैंने ए एक वेरिएबल लिया जहाँ पे 1 नंबर उसको असाइन कर दिया और कंडीशन उसको दी व्हाइल लूप के थ्रू कि जब तक कि ए लेस देन 10 है तब तक ए को प्रिंट करता रहे और हर बार हर इटरेशन में ये ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा। और इसने 9 तक प्रिंट किया, जैसे ही ये 10 पे गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप ब्रेक हो गया। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम इस पर देखते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ए में नंबर 1 उसको असाइन कर देते हैं, फिर से व्हाइल लूप यूज़ करते हैं और वही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए इज़ लेस देन 10 और हम करेंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ जो ए है उसको। लेकिन यहाँ पर हम फिर एक और कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, हम कहेंगे ए की वैल्यू जब इक्वल टू 5 हो जाएगी तब हम क्या करना चाहते हैं, ब्रेक कर देना चाहते हैं इस लूप को। मतलब कि यहाँ पर हम सिंपल से व्हाइल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ब्रेक का यूज़ होता है। अब ये यहाँ पर क्या करेगा, सिंपल से कि जो वैल्यू है ए में 1 नंबर स्टोर है, हम वो जो कंडीशन है वो है ए इज़ लेस देन 10, ए अभी लेस देन 10 है। जब ये पहला इटरेशन परफॉर्म करेगा तो ये नंबर ए 1 प्रिंट करेगा और फिर उसके बाद कंडीशन पे आएगा इफ़ ए इज इक्वल टू 5, जब ए इक्वल टू 5 हो जाएगा तब ये ब्रेक करेगा। लेकिन अभी ये 1 है, इक्वल नहीं है तो ये चलेगा, लेकिन ये कब तक चलेगा, हम इसके लिए यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट भी करवाएंगे। तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब ये इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसने 5 पे आके ब्रेक कर दिया लूप। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हमने लूप को ब्रेक करने के लिए किया है। तो इस तरह से ब्रेक का यूज़ होता है, सिंपल से आप समझ गए होंगे किस तरह से इसकी वर्किंग है। तो ब्रेक के बाद बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की, जो कंटिन्यू करने के लिए सिंपल से जैसे कि नाम से स्पेसिफाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल से एक नंबर उसी तरह से सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे फिर से अगेन वही कंडीशन ए इज़ लेस देन 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक इटरेशन परफॉर्म करने के लिए वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा देते हैं। इंक्रीमेंट करने के लिए सिंपल से आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं या सिंपल से ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1 से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके होते हैं, ये बिल्ट इन मेथड्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इंक्रीमेंट करवा दिया है जब कंडीशन ट्रू है, पहला इंक्रीमेंट हो चुका है। अब हम क्या करवाते हैं, कंडीशन लगाते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 जब है तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू हो जाना चाहिए। कंटिन्यू का मतलब ये है कि वो जिस कंडीशन पे हम कंटिन्यू लगा रहे हैं उस कंडीशन को एस्केप करके नेक्स्ट पे चला जाएगा। और हम क्या कहेंगे कि प्रिंट होना चाहिए वैल्यू ऑफ जो ए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल से आउटपुट में आप देख रहे होंगे ये इसने 1 से स्टार्ट करके 2 से प्रिंट करना स्टार्ट किया है और 2, 3, 4 इसके बाद 5 मिसिंग है यहाँ पे और 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू किया है। इसका क्या मतलब है, इसने 5 को इस यहाँ पे मिस कर दिया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंडीशन दी थी ए इज इक्वल टू 5, जब ए इज इक्वल टू 5 आए तो ये कंटिन्यू करे। मतलब कि कंटिन्यू करने का मतलब होता है यहाँ पे कि वो उस स्टेप से एक इंक्रीमेंट हो गया आगे वाले स्टेप पर चले जाए, तो ये 5 वाले स्टेप पे आया ही नहीं, उसने इसको प्रिंट ही नहीं करने दिया। ये कंटिन्यू का मतलब यहाँ से जैसे इस कंडीशन पे पहुंचा डायरेक्टली इसको प्रिंट किए बिना ये सीधे वापस से ऊपर इस कंडीशन पे चला गया और दोबारा से इसने इटरेशन परफॉर्म कर दिया। तो ये है कंटिन्यू स्टेटमेंट की वर्किंग।
ब्रेक में क्या हो रहा था कि यहाँ पे ब्रेक कर दे रहा था, इसको तो प्रिंट कर रहा था, वो पहले प्रिंट हो जा रहा है ना, 5 प्रिंट हो चुका है, उसके बाद ब्रेक हो रहा था। लेकिन कंटिन्यू में क्या हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो गया है और उसके बाद कंडीशन लग रही है, लेकिन प्रिंट तब होगा जब कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू जब चल जाएगा तो ये इस पे आएगा ही नहीं, ये सीधे ऊपर चला जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये था सिंपल से कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज व्हाइल लूप के साथ पे। अब बात करते हैं एक सिंपल सा और एग्जांपल इसमें व्हाइल के साथ एल्स के पार्ट को जोड़ने की। फिर से सिंपल से वही एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं, ए इज लेस देन 10, फिर हम क्या करते हैं प्रिंट करते हैं अगेन वैल्यू ऑफ ए को, और इंक्रीमेंट करवा देते हैं क्या उसी जो वैल्यू ऑफ ए है उसको, और हम क्या करते हैं एल्स का पार्ट इस पे जोड़ देते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम कहेंगे प्रिंट क्या कर दे ऑल डन, ठीक है, इस तरह से ये ऑल डन कर देगा। तो एल्स के पार्ट पे इसने क्या किया, जब ये कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होके लूप ब्रेक हुआ 1 से 9 तक इसने प्रिंट किया, और लास्ट में ऑल डन एल्स पे पार्ट पे आके इसने जब ये कंडीशन कंप्लीट हो गई उसने कहा कि भाई अब ऑल डन कंप्लीट हो चुका है सारी वर्किंग। तो ये थी सिंपल से व्हाइल लूप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमने इस वीडियो में पढ़ी। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट इन वीडियो इफ यू रियली लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।